अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अलीसा शराज एंड यू आर वॉचिंग लिटरेरी बर्ड्स। सो गाइस, एज यू नो दैट इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग होस्टी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड टुडेज़ वीडियो इज़ रिगार्डिंग क्रिटिकल समरी। सो गाइस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर शॉर्ट स्टोरीज एग्जामिनेशन। और एग्जामिनर कैन कन्फ्यूज यू by asking two or three types of questions regarding the same answer. He can say that he can ask a critical summary, he can ask critical evaluation, or he may ask critical analysis of strong hostie. So this question will help you out to prepare yourself regarding all type of questions if he is asking about summary or critical summary or analysis or critical evaluation. Bismillahir Rahmanir Rahim, let's start guys. Alice Walker is one of the most significant black American woman writer in the post World War II era. She is a novelist, essayist, short fiction writer, biographer, lecturer and एजुकेटर। अब जो हैं एलिस वॉल्कर जो हैं उनको उनका यानी जो वर्ल्ड वॉर टू का के बाद जो काम है उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट वर्क रहा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क उनका रहा है जो उन्होंने इस टाइप में यानी इस टाइम पीरियड में लिखा, जिसमें वो नॉवलिस्ट भी हैं, उनने ऐसे भी लिखे, शॉर्ट स्टोरी फिक्शन भी लिखती हैं और लिखती रही हैं और बायोग्राफर भी हैं और लेक्चरर भी हैं, एजुकेटर भी हैं, ठीक है। शी फ्रीक्वेंटली writes about the experiences of black, particularly black women, or sexism and racism are prominent themes in her work, but most of her writing has an underlining themes of survival. She has been involved in the civil rights movement. मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि एलिस वॉल्कर के साथ भी एक ट्रेजेडी हुई थी, यानी ग्रेजुएशन में थी जब उनके साथ कुछ यानी अब यानी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है, विद एन इलेजिटिमेट रिलेशन, ऐसा जो कि यानी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी वो, और उन यानी बाद में अबॉर्शन हो तो गया था। लेकिन ये चीज़ें जो हैं जब किसी राइटर के साथ कुछ इस तरह की ट्रेजेडीज़ हुई होती हैं तो वो उनके काम में हमें नज़र आती हैं। इसी तरह रानी टॉमर के साथ भी हमने देखा कि जो स्नूक्स है उसका इलेजिटिमेट सन है, और ये देखें ये चीज़ कितनी ज़्यादा उनकी लाइफ से मिलती है। और एलिस वॉल्कर भी जो है वो उनका कोई बड़ा शहाना बचपन नहीं गुजरा, वो उनका भी बचपन जो है वो बड़ा यानी गुर्बत में गुजरा है। उनका भी इलाका जहाँ वो रहती थी अपने बचपन में बहुत गंदा सा इलाका था, और अपनी राइट साइड की जो आई थी वो उससे परमानेंटली जो थी ब्लाइंड हो गई थी, क्योंकि उनके भाई की जो बीबी गन थी उससे कुछ उनकी यानी जो जिस तरह बच्चे शैलों वाली गन से खेलते हैं ना, इसी तरह उनकी आईज़ में लग गया था, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ था अपनी आईज़, एक राइट साइड की आईज़ यानी आई साइड का, ठीक है। तो एक यानी हम लोग सेक्सिज्म हम लोगों को देखने में क्यों मिलता है, क्योंकि उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई थी इसी तरह जो था उन्होंने रानी टॉमर का दिखाया, उनके दूसरे भी जो जिस तरह अब द कलर पर्पल उनका बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क रहा है उसमें भी वो दिखाती हैं कि यानी जो है प्रोटैगनिस्ट उसके साथ बार बार जो है ज़्यादती होती है, और जो उसका अपना बाप ही होता है जो उसके साथ ज़्यादती कर रहा होता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो उसका असली बाप नहीं था। तो यानी इस तरह के एलिमेंट्स आपको देखने में काफ़ी मिले। फिर वो जो प्रोमिनेंट उनकी थीम है रेसिज्म की, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपको उसमें देखने को मिलेगा। और फिर सर्वाइवल थीम है, यानी इंसान जो है सारी परेशानियों से लड़ लेता है एंड पे, तो ये भी उनकी कुछ जो वर्क्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द मेन कैरेक्टर इन रैनी टॉमर, शी इज़ एन अगली ब्लैक एंड एजुकेटेड एंड वेरी पुअर वुमन हुज लाइफ इज़ कंपेरेबल टू एलिस वॉल्कर चाइल्डहुड। मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी का, वो रैनी टॉमर है, वो अगली है, ब्लैक है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, गरीब औरत है, गंदी मंदी रहती है, और उसका जो एलिस चाइल्ड यानी जो एलिस वॉल्कर का चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उससे यानी अगर हम लोग देखें तो उससे काफ़ी मिलती जुलती हैं, क्योंकि उनको भी वही सब कुछ ऐसी ही सरकमस्टांसेस में उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है जिसमें रैनी टॉमर गुजार रही है। As Rani is, she is naive and hopes that the white doctor will help her child, but she has to realize in the end that trusting
साराज ब्लैक मैजिक इज़ दी ओनली पॉसिबिलिटी फॉर हर। अब वो बेचारी अंधी है इस यकीन में कि जो डॉक्टर है वाइट डॉक्टर आएगा और उसकी मदद करेगा, और वो सारा जो है यानी उसकी कम्युनिटी में रहने वाली एक ऐसी औरत जो ब्लैक मैजिक से और होम रेमेडीज से दूसरों का इलाज करती है, उसको यानी वो बिल्कुल जो है इग्नोर करती है क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं समझती, और वो कहती है कि मेरे बच्चे का इलाज तो कोई वाइट डॉक्टर ही करेगा। सारा इज़ कंसिडर टू बी अ विच एंड शी नोज दैट द कम्युनिटी इज़ द ओनली थिंग विच रैनी कैन रिलाई ऑन। व्यूअर्स अ वाइट डॉक्टर विल नेवर कम टू हेल्प स्नोक्स। सारा पर्सोनिफाइज द ब्लैक कम्युनिटी एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट वुमेन हैव टू स्टिक टूगेदर एंड कैन नॉट ट्रस्ट द हेल्प ऑफ मैन। अब जो सारा है उसको दिखा रहे हैं एक अक्लमंद औरत, ठीक है, उसको पता है कि उसको अच्छी तरह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता है, उसे पता है कि कोई भी वाइट डॉक्टर जो है उसकी मदद करने नहीं आएगा, उसके बेटे की ना ही उसकी, तो वो जो है उसको अक्सर कहती रहती है कि उसकी यानी उसके बच्चे का इलाज कर सकती है, सारा रैनी को कहती रहती है, लेकिन रैनी जो है वो उसको अलाउ नहीं करती अपने बच्चे के इलाज के लिए। और उसको यानी उसको पता है कि ये जो कम्युनिटी है इसमें औरतों को मर्दों पर रिलाई नहीं करना चाहिए, उनको अपनी ही जो है होम रेमेडीज करके तो अपने बच्चों का इलाज करना चाहिए। आप देखें गरीब जितने भी यानी जितने भी ऐसे इलाके हैं उसमें आपको ज़्यादा ऐसे मिलेंगी ऐसी ट्रेजिडीज़ जिनके छोटी उम्र में बच्चों के साथ ज़्यादती हो गई या इस तरह के आपको जो हैं सानिया देखने में मिलेंगे, इस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने में मिलेंगे। इसी तरह जो ये दिखा रहे हैं रैनी टॉमर का जो इर्द गिर्द का इलाका और मोहल्ला दिखा रहे हैं वो भी इसी तरह का ही है। इसीलिए जो है वो सारा ये दिखाना चाह रही है कि हमें मर्दों से दूर रहकर अपनी जो है परेशानियां उनको यानी उन पे ओवरकम करना चाहिए। स्नोक्स इज रैनीज चाइल्ड हु इज़ डाइंग फॉर फ्रॉम डबल निमोनिया एंड वूपिंग कफ। ही इज़ इन अ वेरी बैड हेल्थ एंड डजंट आउटलिव हिज डिजीज़। अब जो स्नोक्स है वो बेचारा मर रहा है, ही इज सफरिंग विद डेडली डिजीज और यू मे ग्रेवली डिजीज। अब वो यानी जो बेचारा स्नोक है वो ऐसी डिजीज में है उसका इलाज हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से कोई उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन वो बेचारा नहीं सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी मदद के लिए कोई इंसान नहीं आता। जो सारा जो है वो बार बार उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है रैनी को, लेकिन रैनी उसको अलाउ नहीं करती, तो ऑल गोज़ इन वेन। तो मेल मैन एम्बॉडीज द वाइट पीपल। अब जो मेल मैन है वो किसको पोर्ट्रे करता है, वो पूरे वेस्टर्न कल्चर को वेस्टर्न कम्युनिटी को पोर्ट्रे कर रहा है। इसकी यानी मेल मैन का एक ही करेक्टर है जिसको यानी जो कि वाइट है और अपने पूरे कल्चर को अपनी पूरी सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहा है। एलिस वेल्कर ने इस इंसान के थ्रू दिखाया है कि हाउ ब्रूटल एंड हाउ नेग्लिजेंट द पीपल वर, तो कि यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे। ही डजंट हैव प्रॉब्लम्स, ही सिट्स इन हिज वार्म कार, वियर्स न्यू क्लॉथ्स एंड हिज हेल्दी एंड स्ट्रांग बिकॉज ही हैज़ इनफ टू ईट। हिज रोल इज़ वेरी आयरोनिक बिकॉज ही इज़ द कनेक्शन बिटवीन टू एब्सोल्यूटली डिफरेंट वर्ल्ड्स। अब जो वाइट मैन है, ठीक है, वो एज अ ब्रिज उन्होंने दिखाया है कि एक तरफ ब्लैक पीपल है और दूसरी तरफ वाइट कम्युनिटी है। अब वो दिखा रहा है कि कैसे उसको वो यानी चाहे तो मदद कर सकता है लेकिन वो मदद नहीं करता क्योंकि वो अपने आप को बॉदर करता ही नहीं है उसकी मदद के लिए। वो कहता है कि ये जैसे है जिस हाल में है ये इस हाल में ही ठीक है। वो वाइट मैन जो है वो दिखाते हैं कि बड़ा कम्फर्टेबली अपने जो है कार में रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास काफ़ी कुछ है खाने के लिए। वो जब एक इंसान उस चीज़ से गुजरा ही ना हो, उस प्रॉब्लम से गुजरा ही ना हो, तो कैसे वो दूसरे की प्रॉब्लम को समझ पाएगा। तो उसको उस तकलीफ़ का उस शिद्दत का एहसास है ही नहीं जिससे रैनी टॉमर और उसका बेटा गुजर रहा है, ठीक है। ही डिलीवर्स द सर्कुलर्स विद नाइस प्रोडक्ट फॉर रिच पीपल, बट रैनी कैन नाइदर अंडरस्टैंड द सर्कुलर्स नोर अफोर्ड द प्रोडक्ट्स। द मेल मैन डील्स विद हर प्रॉब्लम्स, इन द एंड द ऑलमोस्ट एस्केप्स फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड डजंट बॉदर एनी लॉन्गर। ही फील्स रिपेल्ड बाय हर,
ही रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द होल वाइट सोसाइटी. अभी मैंने आपको बताया ना, वाइट सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहा है वो. अच्छा, अब मेल मैन जो है यानी वो डिफरेंट यानी बहुत ज़्यादा कुछ लग्जरियस आइटम्स भी लेकर आता है और कुछ इस तरह के सर्कुलर्स लेकर आता है, कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आता है अमीर लोगों के लिए, क्योंकि रानी टोमर तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, ना ही उनको बाय कर सकती है, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें जो हैं यूज़लेस ही हैं. आगे, द स्टोरी इज सिचुएटेड इन अ वेरी पुअर एरा. रानी लिव्स इन अ वेरी शेबी हट. इट इज़ वेरी कॉल इन साइड. द विंडोज आर ग्रीमी, द क्विल्ट्स आर थिन एंड पेल. सिंस द हाउस इज सिचुएटेड इन अ पास्चर, रानी एंड स्नोक्स आर इन द वे लिविंग विद एनिमल्स. आउटसाइड इट इज़ रेनिंग एंड द ग्राउंड हैज टर्न इन टू मड और बॉग. वट सिग्निफाइज दैट रानी द ब्लैक वुमेन कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बॉग. अब यानी पता है ना आपको, कीचड़ वगैरह हो जाता है बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है मट्टी वाले इलाकों में, तो इसी तरह उनका इलाका है गंदा मंदा सा, और उसका जो हट है बड़ा यानी शेबी किस्म का है, बड़ा यानी बहुत ही बुरी हालत में है, ठीक है. और जो वो अपने ऊपर जो ओढ़ने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी बहुत थिन सी हैं, और यानी उनसे ज़्यादा कोज़ी एनवायरनमेंट या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता स्नूक्स को. तो ये सारी वो ऐसे जानवरों की तरह वो बेचारे रह रहे हैं, जिस तरह जानवर रहते हैं इसी तरह मिट्टी में, और यानी उन बेचारों के पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जो अपने जो जिससे वो लड़ सकें अपनी बीमारी को कवर करने के लिए, जो जिस जिन हालात से स्नूक्स गुजर रहा है. The entire story is interlaced with not only a sharp contrast of skin color but also with the difficult problems of the community in transition. अब यानी सिर्फ रंग और नस्ल की बात ही नहीं है, बल्कि जिस तरह कम्युनिटी में दिखाया है कि प्रॉब्लम्स दिखाई हैं कि गरीब लोगों का रहन सहन किस तरह का होता है, अमीर लोगों का किस तरह होता है, तो उस सब को पोर्ट्रे किया गया है इस स्टोरी में बहुत ही अच्छे तरीके से बाय एलिस वेलकर. On the one hand, there is an economically developed white society. The mailman represents white society that has a functioning healthcare system based on modern scientific achievements, which is not available for blacks. Yes, blacks. यानी जो मेलमैन है वो किसको पोर्ट्रे कर रहा है, वाइट सोसाइटी को. उसको दिखा रहे हैं बड़ा ही अच्छे तरीके से अपनी कार में बैठता है, कंफर्टेबल है, अच्छी खुराक खाता है, नए नए कपड़े पहनता है. तो एक जगह ये हालात है और एक जगह ये हालात है कि किसी के घर यानी मिट्टी में कोई इंसान सो रहा है, मिट्टी से लदा हुआ, और यानी उसके बच्चे की हालत इतनी ख़राब है कि वो एंड में मर जाता है. तो ये दिखा रहे हैं, कल्चरल कन्फ्लिक्ट भी दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि किस तरह दोनों सोसाइटी में कितना डिफरेंस है. अगर चाहे वाइट पीपल तो उन लोगों की भी हालात जो हैं बेहतर कर सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी मदद करने से उनकी, लेकिन वो नहीं करते. Sara, a conjurer woman, represents tradition of folk cure. The gap is widened by Rani's inability to understand the function of the circulars, which are helpful to her only in one way, to pepper the inside of her hut in order to keep the wind off. अब यानी जो सर्कुलर्स वगैरह आते हैं जिसमें महंगी महंगी चीज़ों की वो की जाती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, वो सारा वो बेचारी रानी टोमर के किस काम का है, ना वो उन्हें खरीद सकती है, ना वो उनसे अपने बेटे की मदद कर सकती है. तो वो उन पेपर को यानी एज अ शीट यूज़ करती है सिर्फ, ताकि वो खिड़कियों पर उनको लगाती है उन पेपर्स को, ताकि उनसे आने वाली हवा को रोक सके, ठीक है. यहाँ भी उसने दिखाया एक आयरनिकल सिचुएशन दिखाई है कि एक यानी एक पेपर जो है, एक कागज़ जो है, वो किसी के लिए तो बड़ी यानी इन्जॉयमेंट का ज़रिया है, उनसे उनकी शॉपिंग का ज़रिया, और किसी के लिए अपने घर की यानी अपने घर को बचाने का या अपने बच्चे को बचाने का ज़रिया बना हुआ है. यानी ये उसने एज अ मेटाफोर यूज़ किया है, ठीक है. Rani clings to an illusion about modern medicine that one shot will cure her baby as an infallible miracle. ठीक है, तो Rani clings to an illusion about modern medicine that one shot will cure her baby as an infallible miracle. अब जो Rani है वो यानी
बिल्कुल चिपकी हुई है अपने आप से, इसी धोखे में है कि शायद कोई मॉडर्न मेडिसिन जो है यानी उसके बच्चे की उसे मदद हो जाएगी। अब शॉट किसे कहते हैं? शॉट होता है जी कि जिस तरह आपको इंजेक्शन लगता है ना, कुछ स्मॉल क्वांटिटी का आपको इंजेक्शन लगता है, यानी कुछ मिलीलीटर का यानी लिक्विड फॉर्म में जो इंजेक्शन होता है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपको स्टीराइड्स भी दिए जाते हैं, जिससे यानी आपको जल्दी आराम आ जाता है। तो रैनी का ख्याल है कि कुछ छोटा सा यानी इंजेक्शन जो है उसके उसके बच्चे की मदद कर सकता है उसकी ज़िंदगी बचाने में, लेकिन वो उसको नहीं लगाया जाता। वो बेचारी इसी धोखे में रहती है कि शायद कोई आएगा उसके बच्चे का इलाज करने। सारा इज़ फुली अवेयर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रैनी एंड सारा रिलेशनशिप कैन बी सीन एज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ टू जनरेशंस। रेसिज्म हैज़ मेड ब्लैक्स मिस्ट्रस्ट देयर ओन एबिलिटीज एंड फोर्स देम इनटू डिपेंडेंस ऑफ वाइट कल्चर ऑफ वाइट रैनी एज अ विक्टिम। अब यानी इसमें ही उन्होंने ये दिखाया है कि जो रैनी है और सारा है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें एक कन्फ्लिक्ट है, एक तनाज़ा है टू जनरेशन्स का, ठीक है। क्योंकि सारा जो है वो ज़रा ओल्ड लेडी है और रैनी जो है वो मिड एज में है, तो वो समझ नहीं पा रही। रैनी को दिखाया जा रहा है कि वो बेचारी इतनी इनोसेंसी है कि उसको पता ही नहीं है कि जो काले और गोरे का फ़र्क है उससे वो बिल्कुल ला ताल्लुक है। उसको पता ही नहीं है कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो काली है और यानी वो गरीब है और बुरे हालात हैं उसके। जबकि सारा इस सब चीज़ों को समझती है क्योंकि वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। वो उम्र में बड़ी है, उसका तजर्बा ज़्यादा है, उसको पता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ रेसिज्म की बुनियाद पे हो रहा है। लोगों यानी सिर्फ इसी वजह से कोई उनको खातिर में नहीं लाता क्योंकि वो ब्लैक पीपल्स हैं, ठीक है। अब यानी रेसिज्म की बुनियाद पर जो काले और गोरे का जो फ़र्क है उसके अंदर विक्टिम कौन बनता है? विक्टिम रैनी बनती है और उसका बेटा स्नूक्स जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जो मर जाता है। रेसिज्म हैज़ मेड ब्लैक्स मिस्ट्रस्ट देयर ओन एबिलिटीज एंड फोर्स देम इनटू डिपेंडेंस ऑफ वाइट कल्चर ऑफ विच रैनी इज़ अ विक्टिम। अब जो यानी रेसिज्म का ये जो था कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होता है? इसमें नुकसान किसका होता है? रैनी का ही होता है ना, क्योंकि वो सारा पे बिलीव नहीं करती अपने कल्चर को छोड़ के। अब यही तो हुआ था ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो बहुत से लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस हो गए थे, अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने अपना जो भी उनका मज़हब था उन्होंने छोड़ के क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था। तो उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ के उनका कल्चर अडॉप्ट करने लग पड़े थे, जबकि वो चीज़ ये भूल गए थे कि जो उनकी अपनी शनाख्त है वो उनकी अपने ही कल्चर और ट्रेडिशन और नॉर्म्स से हैं। तो यही दिखा रहे हैं नेग्लिजेंस कुछ ऐसे अफ्रीकन्स की जिन्होंने उनके कल्चर को प्रमोट किया, उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, यानी रेदर देन अडॉप्टिंग देयर ओन कल्चर। तो शी इग्नोर सारा ऑफर टू हेल्प एंड ट्रीट हर विदाउट इनटॉलरेंस। अब वो उसको चाहिए था कि पहले वो सारा की बात मानती, क्योंकि सारा जो थी उसके सामने ही है और लोगों की मदद करिए, तो उसको चाहिए था कि पहले उसके ऊपर ट्रस्ट करती। उसने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उसने उन लोगों पे ट्रस्ट किया जो कि ट्रस्ट के काबिल ही नहीं थे, रेंट पे उसका नुकसान हुआ अपना ही। और वो उसकी जो थी यानी जो भी सारा की जो उसको वो यानी कह रही थी उसकी मदद करना चाह रही थी, उसको वो बार बार रिजेक्ट कर देती थी उसकी ऑफर्स को, ठीक है। और शी इग्नोर साराज ऑफर टू हेल्प एंड ट्रीट हर विद इनटॉलरेंस, ये हमने पढ़ लिया। इन ऑपोजिशन टू दैट सारा इज़ प्रैक्टिसिंग हर आर्ट ऑफ हीलिंग एंड देयरफॉर perpetuates a powerful traditions of resistance to white racism. She wants Rani to escape cultural reality. अब यानी वो रैनी को दिखाना चाहती है उनका असल जो उनका चेहरा है, यानी उनकी जो हकीकत है जिसकी बुनियाद पर रेसिज्म को बढ़ावा दिया गया है उसको वो दिखाना चाहती है उनको, यानी सारा जो है उसको उनकी असल हकीकत दिखाना चाहती है, लेकिन वो नहीं दिखा पाती क्योंकि रैनी उसको समझना ही नहीं चाहती। रैनी सुनती नहीं है उसकी बात कि यार हाँ ये सही कह रही है, मेरी मदद को कोई नहीं आएगा। वो एंड तक चिपकी रहती है अपने ही अकीदे से, अपने ही यानी भरोसे जैसे कि शायद कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। देयर आर फोक क्योर्स, ये यानी फोक क्योर्स कहते हैं ये जो हमारी जो होती है ना होम रेमेडीज़ जो होती हैं, जो हमारी माएँ दादियाँ जो हमें बताती थी कि खांसी आए तो ऐसे करो इस तरह करो, तो इस तरह के जो फोक क्योर्स होते हैं ना दैट एम्प्लॉयज यूरिन एंड हॉर्सेस एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ regenerative power, not humiliation. The story does not demonstrate that the tea can actually revive Snooks.
अब यानी जो इस तरह की जो रेमेडीज़ होती हैं ना, इससे क्या होता है, इससे आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो ज़रा बढ़ जाता है, ठीक है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है कि आप किसी बीमारी से लड़ सको, अपने आप को प्रिपेयर कर सको कि उस बीमारी से आप लड़ सको। जिस तरह अभी COVID-19 का आया हुआ था और अभी भी वैसे है कि यानी लोगों को कहा जा रहा था कि आप वाइटामिन सी लें, और यानी आपके अंदर वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, आपको इस तरह की जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स यूज़ करें ताकि आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़े। इसी तरह ये जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स थी, हॉर्स आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है और उसको सिंबलाइज करता है स्ट्रॉन्गनेस को, तो आप स्ट्रॉन्ग हॉर्स थी का यही मकसद था कि उस बच्चे को पिलाई जाए ताकि उसके अंदर ताकत आए। हालांकि आप देखो ये कि रिडिकुलस सी बात है, लेकिन क्योंकि उसने बिटर सटायर किया है, एलिस वर्कर ने एक बिटर सटायर किया है जिसकी वजह से उसने ये वर्ड यूज़ किया है स्ट्रॉन्ग हॉर्स थी, ताकि क्योंकि उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ तक बात चली जाती है कि जो हॉर्स का यूरिन है वो पिएगा वो बच्चा, फिर बेचारा वो ठीक होगा। तो यानी कितना कितने हार्श और क्वार वर्ड्स हैं, और कितनी अजीब बात है, कितना यानी देखने में ये अजीब सा लगता है, आयरोनिकल यानी मेटाफोर उसने यूज़ किया है। तो ये सिर्फ इसी वजह से ताकि लोगों को बताया जा सके कि कितनी मिजरेबल सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं ब्लैक पीपल्स को। और आगे कहा, द पास्चर इज़ अ सिम्बॉलिक टेरेन वेयर रेनीज़ इनएबिलिटी टू मूव अप्रोप्रिएटली इन हर सराउंडिंग्स इज शोन। रैनी इज़ नॉट मेयरली फिजिकली आइसोलेटेड इन द पास्चर, शी हैज़ सेपरेटेड हर सेल्फ फ्राम हर कल्चरल हेरिटेज एज वेल। वो यानी इसमें दिखाया गया है कि रैनी टोमर का जो डाउनफॉल है ना, उसको दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक तो उसका अंधा यकीन, और एक उसका अपनी कम्यूनिटी और अपनी सोसाइटी से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाना, यानी उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था फिजिकली तौर पर कि भाई वो किसी की वो सारा की जो है मदद नहीं लेगी, और वो तो वाइट डॉक्टर की मदद लेगी। एक उसने अपने दिल में उनके लिए अहमियत बढ़ा ली कि यार वही मेरी मदद करेंगे, दूसरा उसने अपने दिल में सारा के लिए नफरत पैदा कर ली कि मैं तो नहीं कोई स्वैंप मैजिक की मदद लूँगी, ना ही मैं किसी होम रेमेडी करूँगी अपने बेटे के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें उसके डाउनफॉल का जरिया बनी, ठीक है। द वेल एडवर्टिजमेंट इन कनेक्शन विद द मेल मैन एंड रैनीज ओनली लिंक अ मॉडर्न वाइट सोसाइटी विच शी डजेंट अंडरस्टैंड। अब यानी रैनी जो है वो ब्लैक लोगों को पोर्ट्रे करती है और वाइट मैन जो है वो वाइट सोसाइटी को पोर्ट्रे करता है। ये इन दोनों का ये जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, ये असल में ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये दो ऐसी सोसाइटीज़ को पोर्ट्रे कर रही हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक वाइट पीपल्स हैं जिन्हें सो कॉल्ड सिविलाइज पीपल कहा जाता है, जो असल में है ही नहीं सिविलाइज, जिन्होंने कदर ही नहीं की बच्चे एक जान को बचाने के लिए। वाइट मेल मैन जो अगर चाहता तो उसको सारा पता था कि उस बच्चे की हालत कितनी ख़राब है, वो मर सकता है, लेकिन उसने बॉदर ही नहीं किया, किसी से बात ही नहीं की, वो एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। तो और जो रैनी टोमर है उसकी जो परेशानियां हैं, उसकी जो सिचुएशंस हैं, उसकी जो कंडीशन दिखाई जा रही है, उसका जो पूरा बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, जो पॉवर्टी और डिसीज़ की थीम दी गई है सारी पीछे पोर्ट्रे की गई है इन द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, तो वो क्या वो बता रहा है हमें कि काले लोगों की क्या परेशानियाँ थी और कितने बुरे हालात में वो बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो उन्होंने रैनी टोमर के थ्रू हम लोगों को बताया एलिस वर्ल्कर ने। अब देखते हैं, सारा टैलेंट एज अ ट्रेडिशनल हीलर इन हर रेजिस्टेंस, सॉरी गाइस इट्स सो स्मॉल टू रीड, सारा टैलेंट एज अ ट्रेडिशनल हीलर इन हर रेजिस्टेंस टू अपोजिशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी द हिस्टोरिकल रिलायंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन ऑन फोक मेडिसन। इन द पास्ट स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू यूज ट्रेडिशनल क्योर्स टू ट्रीट एनी इलनेस इन देयर ओन। अब यानी आपको पता है कि जो अमेरिकन से उन यानी अफ्रीकन अमेरिकन में जो फोक मेडिसन हैं, यानी जो पीछे होम रेमेडीज चलती आ रही हैं, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो इसी तरह की उल्टी पुल चीज़ें जो उनसे इलाज किया जाता था, और कुछ कुछ वाकई काम की होती थी जिनसे बड़े बड़ी बीमारियों का हल निकल आता था। तो वो कह रहा है कि जो स्लेव्स होते थे उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इस तरह की ट्रेडिशनल क्योर्स जो हैं, ये होम रेमेडीज जो हैं, अपनी बीमारी के लिए यूज़ करें,
क्योंकि वो तो सिविलाइज पीपल थे, वो तो एलोपैथिक मेडिसिन को प्रमोट करते थे और उसी का उनको यानी उसी पे यकीन था, वो इन होम रेमेडीज़ वगैरह पे यकीन नहीं रखते थे। अभी भी आप जाओ ना डॉक्टर के पास, उन्हें बताओ कि भाई हमने अपने बच्चे को कहवा दिया या हमने इस तरह की कोई होम रेमेडी किया, तो वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं आप पे कि अच्छा फिर क्या हुआ। उनको यानी हमारे लोगों को जो डॉक्टर बन जाते हैं उनको भी यकीन नहीं आता होम रेमेडीज़ पर, वो कहते हैं अच्छा आपने कर लिया, आप करते नहीं, लेकिन हमारी मेडिसिन यूज़ करें, इसी से आराम आएगा। आप चाहो तो इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, किसी खुदा ना खास्ता आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े ना, आप उन्हें बताएं कि हमने कावा वगैरह पिया है, खांसी का यानी इलाज करने की कोशिश किया है, तो वो आगे से स्माइल करेंगे और कहेंगे अच्छा फिर क्या हुआ, फ़र्क पड़ा आपको इस तरह। यानी ये हमारे कल्चर में भी उन्होंने इतना एम्बेड हो गए हैं वो कि ये चीज़ें निकलना मुश्किल है। देयरफॉर यूजिंग ट्रेडिशनल क्योर्स वॉज वन वे ऑफ रेजिस्टेंस टू वाइट ऑनरशिप एंड अ क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडीज। ठीक है कि यानी यानी इन इन अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने के लिए भी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना एक एक इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, कि यानी हर इंसान ने अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने क्योर जो हैं वो सीख लिए। तो जो वेस्टर्न सोसाइटी में हम ये चीज़ देखते हैं कि वो ये वो इर्द गिर्द की चीज़ें आजमाते नहीं हैं, वो यानी एक पर्टिकुलर वे में जाके इलाज करते हैं और फिर उसी को आगे यानी प्रमोट करते हैं उसी चीज़ को। देयरफॉर यूजिंग ट्रेडिशनल क्योर्स वॉज वन वे ऑफ रेजिस्टेंस टू वाइट ऑनरशिप एंड अ क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडीज। अब यानी जो सारा थी, ठीक है, इस लाइन से इसको ज़्यादा मैं आपको अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सारा जो थी उसने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों का इलाज करेगी, उसने वाइट लोगों के यानी वाइट लोगों तक रसाई हासिल करने की बजाय उसने अपनी कुछ होम रेमेडीज़ जो थी उनको ट्राई कर करके अपने लोगों की जान जो थी वो बचाती थी। ठीक है, ना कि जिस तरह रैनी टोमर जो थी वो बेचारी पागलों की तरह डॉक्टर उसी का इलाज वो वाइट डॉक्टर का ही वो करी जा रही थी इंतज़ार, लेकिन एंड पे क्या हुआ, कुछ हाथ नहीं आया, उसके बच्चे की जान चली गई। ठीक है, तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल क्योर्स थी और जो होम रेमेडीज थी वो यूज़ की जाती थी ताकि लोग अपना इलाज कर सकें। तो गाइज जो लास्ट पैराग्राफ है इसको मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा टफ है समझने के लिए। द स्टोरी प्रेजेंट्स एन ओवर नरेटर हु इज़ ओमनिसेंट ओमनिसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। आपको पता है ओमनीप्रेजेंट का क्या मतलब होता है, कि सारा इल्म जो भी यानी है टोटली जो भी जितना भी इल्म है उस सब वो सारा पता होना। द नरेटर हाईली जजेस एंड कमेंट्स ऑन द फिगर्स इन द नरेशन। अब जो नरेटर है वो यानी उसको सारा इल्म है वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी और ब्लैक कल्चर के बारे में भी, अफ्रीकन कल्चर के बारे में भी, तो वो उस यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके थ्रू उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है अपने सारे कमेंट्स और अपनी सारी जो भी उसकी फीलिंग्स थी और सारे जो इमोशंस है जो 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 उसने परसीव किया अकॉर्डिंग टू बोथ कैरेक्टर्स मेलमैन एंड रैनी टोमर और अनदर कैरेक्टर सारा। क्योंकि सारा जो है वो हम लोगों को ट्रेडिशंस दिखाती है, अफ्रीकन्स की नॉर्म्स दिखाती है, उनका कल्चर दिखाती है और किस तरह वो एक दूसरे को ट्रीट करते हैं लोग वहाँ, यानी जिस तरह जो भी होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करके ब्लैक मैजिक वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जब आपको इन सब चीज़ों का पता होता है ना, आपको कल्चर्स के बारे में पता होता है डिफरेंट, तो फिर आप अपने कैरेक्टर्स में उनकी झलक दिखा सकते हो और कैरेक्टर्स के थ्रू उनको यानी लोगों को विजुअलाइज करने पर मजबूर कर सकते हो। जिस तरह मेल मैन का कैरेक्टर उसने दिखाया, अब हम ये कोई फिल्म तो नहीं देख रहे थे लेकिन हमने मेल मैन के थ्रू उसने एलिस वेल्कर ने पूरा जो ट्रेडिशंस थी पूरे जो उनका था वाइट सोसाइटी का जो यानी जिस तरह वो सो कॉल्ड कस्टोडियन बने हुए थे सोसाइटी के, वो सब उसने पोर्ट्रे कर दिया थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मेल मैन। ठीक है, टुडे ही थॉट शी लुक्ड मोर इग्नोरेंट देन यूजुअल। अब ये किसकी बात हो रही है, रैनी टोमर जो है सॉरी एलिस वर्कर आदमी तो नहीं है, ये बात हो रही है यहाँ मेल मैन की, कि मेल मैन का कैरेक्टर किस तरह दिखाया गया। टुडे ही थॉट शी लुक्ड मोर इग्नोरेंट देन यूजुअल। अब यानी इग्नोरेंट जाहिल और कौन लग रहा है, रैनी टोमर, यानी जो मेल मैन है वो उसको देखता है बड़ी हकारत की नज़र से, उसको एज अ एनिमल ट्रीट करता है और वो यानी उसको कह रहा है कि भैया तो आज तो पहले से भी ज़्यादा जाहिल नज़र आ रही है मुझे। एट सम पॉइंट द नरेटर रिपोर्ट्स ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन सीम्स टू पास ओवर इनटू अ फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स गिविंग अ फुल एंड अनक्लाउडेड
पर्सपेक्टिव ऑन द कैरेक्टर्स माइंड. अब यानी मेल मैन के थ्रू उसकी यानी उसके अंदाज से उसकी बातों से हम लोगों को वो बताती है कि किस तरह उसका जो डिस्कोर्स होता है यानी रैनी टॉमर के साथ या इनडायरेक्ट जो होता है या डायरेक्ट होता है जिस तरह भी उसका उसका यानी थोड़ा बहुत रैनी टॉमर के साथ रबता होता है उससे वो जो है हमें बताती है कि उस उसके बेसाख्ता जो उसका पर्सपेक्टिव है उसे हमें बता देती है कि उसका थॉट यानी वे ऑफ थॉट क्या है उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि यानी उसका सोचने का अंदाज क्या है वाइट मैन का कि जो जो वो ब्लैक मैंस के बारे में सोचता है वो सारी चीज़ जो है एलिस वर्कर ने मेल मैन के करेक्टर के थ्रू हमें पोर्ट्रे कर दिया है कि यानी किस वो उसके सोचने का अंदाज क्या उसके अंदर रहम ही नहीं है वो एक ब्रूटल सा इंसान है जो कि उन्हें सेविज पीपल समझता है और उसको बड़ी इग्नोरेंट समझता है उसको समझता है कि भाई इसके अंदर से तो वेट गॉड की स्मेल आती है यानी वो बड़ी गंदी औरत है और उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और बिल्कुल अपने आप को बॉदर नहीं करता उसकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, ही डजंट वॉन्ट टू हर्ट हर फीलिंग. अब वो दिखाती है कि इतना वो खुदा तर्स है कि वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता यानी उसको मुँह पर मना नहीं करता कि मैं नहीं तुम्हारा पैगाम दूंगा. इसमें भी उसने यानी देखो ना एक आयरनी दिखाई है कि वो हर्ट तो नहीं करना चाहता लेकिन वो डबल हर्ट करता है उसको. हम यानी किसी से वादा कर लें कि भाई हाँ हाँ पूरा करूँगा लेकिन हम वादा ना करें यानी हम उसको पूरा ना करें तो फिर गलत बात है ना. पहले तो आप किसी को कहो ही ना और दूसरा फिर अगर कहते हो तो उसको पूरा करो. तो उसने यानी उसको दिखा रहे हैं ये जो छोटी सी लाइन है ये सटायर है उसके ऊपर. ही डिडंट वॉन्ट टू हर्ट हर फीलिंग. वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था इसीलिए यानी उसको हामी भर देता है हाँ हाँ मैं कह दूंगा या स्माइल पास कर देता है उसके के. He gave her what he hoped that was a big friendly smile. यानी उसको जब वो रैनी टॉमर उससे मदद मांगती है ना मेल मैन से तो वो आगे उसको मुस्कुरा के देखता है कि हाँ हाँ भाई मैं तुम्हारा काम कर दूंगा. जब हम किसी को कोई बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को कहते हैं किसी ज़िद के बारे में तो वो स्माइल कर जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि भाई हाँ हमारी ज़िद पूरी हो गई. ठीक है, तो इसी तरह जब मेल मैन स्माइल करता है ना तो उसको इस चीज़ का यकीन आ जाता है कि हाँ भाई ये डेफिनेटली ही विल हेल्प मी आउट. ठीक है, कि वो मेरी मदद तो ज़रूर करेगा. गॉड ही डिडंट वॉन्ट टू हर्ट हर फीलिंग कि वो तो यानी उसकी जो फीलिंग्स थी उनको हर्ट नहीं करना चाहता था इसीलिए उसने उससे स्माइल की और उसे वादा किया कि हाँ वो किसी को भेजेगा उसकी मदद के लिए यानी वाइट डॉक्टर को कहेगा और वो उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. अगर आपको अभी भी बात समझ नहीं आई इससे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट योर क्लियर योर डाउट्स. ओके, तो कहाँ थे हम. द लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड एज द सोशलिस्ट ऑफ द ब्लैक इन साउथ. इट इज़ देयर वर्नैक्यूलर विच एलिस वर्कर वॉन्टेड टू प्रिजर्व फॉर द फिगर फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू नो एंड अंडरस्टैंड. अब जो कुछ जो अल्फाज हैं ना थोड़े कुछ सेंटेंसेस जो एलिस वर्कर ने यूज़ किए हैं अपनी लैंग्वेज में जैसे अब आप देखते हो ये शिन्युआ एचपी के आप जब नॉवल देखते हो थिंग्स फॉल अपार्ट और उनकी जो यानी शॉर्ट स्टोरी है जो हम लोगों ने अभी पीछे कवर किया सिविल पीस उसमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज के कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए हुए हैं जिसमें आपको यानी समझ नहीं आते. ये उन्होंने इसलिए यूज़ किए एलिस वर्कर ने भी कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं अपनी इस शॉर्ट स्टोरी में ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसे अल्फाज रख यानी उनको भी बता सके कि भाई ये भी हमारी लैंग्वेज थी क्योंकि लोग इतना ज़्यादा उनकी तरफ इंक्लाइंड होते जा रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी और कल्चर की तरफ कि अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं. तो एलिस वर्कर ने अपनी जनरेशन को बताने के लिए आने वाले जो बच्चे हैं या जो बच्चे ये काम पढ़ेंगे और उनको ये काम पढ़ाया जाएगा उनके पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ाया जाएगा तो उनको भी पता लगेगा कि भाई हाँ ये हमारी हमारी ज़ुबान के अल्फाज थे और हमारी भी ज़ुबान जो थी वो एक यानी अपने अंदर एक पूरी लैंग्वेज थी और हमें भी अपनी चीज़ों से लगाव होना चाहिए यानी उनके अंदर अपनी चीज़ों के अपने कल्चर से मोहब्बत और अपनी ज़ुबान से मोहब्बत की एक यानी उसने कोशिश की अपनी तरफ से एलिस वर्कर ने. और अक्सर जितने भी आप देखें ना राइटर्स जो हैं जो सोशलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ऐसी कोशिशें की हैं अपने पीस ऑफ आर्ट में अपने कल्चर को अपनी ट्रेडिशंस को अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस तरह के काफ़ी जो हैं तरीके यानी किए हैं. तो गाइस होप यू गॉट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज़ क्रिटिकल समरी और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई हो कि बात. अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं आप लोगों को ज़रूर उसको आपके डाउट को क्लियर करूँगी इंशाल्लाह.
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई शॉर्ट स्टोरी कवर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी के ऊपर तकरीबन मैंने 4 लेक्चर इसके ऊपर बनाए हैं, जिसमें अब क्रिटिकल समरी भी हो गई है और रेशल डिस्क्रिमिनेशन का भी क्वेश्चन हो गया है, कैरेक्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई शॉर्ट स्टोरी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।